आप देख रहे हो राम राजा ओरछा धाम को। आइए हम राम राजा के इतिहास के बारे में जानते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। जी जी, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप प्रभु राम के इतिहास के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? देखिए, वो आपने ओरछा के बारे में पूछा है। ओरछा बुंदेलखंड की छोटी अयोध्या है और माना जाता है कि यहाँ पर राम राजा साक्षात विराजमान है और यहाँ के जो बुंदेला राजा रहे हैं संबत 1616वीं शताब्दी में, उनकी महारानी जो थी जिनका नाम था कुंवर गणेशी, वह राम राजा को साक्षात सरजू में से प्रकट करके उन्होंने आकर के राम राजा मंदिर में विराजमान कराया। तब से ओरछा बुंदेलखंड की अयोध्या के रूप में पूजा जा रहा है। माना जाता है कि महारानी कुंवर गणेश की तपस्या से प्रसन्न होकर के राम जी ने उनको साक्षात दर्शन दिया और उनको पुक नक्षत्र में गोद में लेकर के ओरछा पधारी और आकर के उन्होंने राजमहल में उनको विराजमान कराया। तब से राम राजा का मंदिर जो है संपूर्ण भारत में ही नहीं विश्व में भी प्रसिद्ध है और यहाँ के बारे में मानता है कि राम राजा यहाँ साक्षात विराजमान है और साथ में ये भी मानता है कि राम राजा की सरकार के जो भी दर्शन करने के लिए आता है वह यहाँ कभी भूखा नहीं सोता और उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ओरछा का जो विग्रह है यह अयोध्या का सबसे प्राचीन विग्रह है जहाँ राम जी साक्षात यहाँ विराजमान है। कुछ इतिहासकारों का मानना यह भी है कि ओरछा में राम जी दिन में निवास करते हैं और सहन अयोध्या करते हैं, इसलिए संत लोग कहा करते हैं कि सर्वव्यापक राम के दो निवास हैं खास और दिवस ओरछा रहे थे रहन अयोध्यावास। राम जी यहाँ पर विराजमान है और बुंदेलखंड में राम जी को यहाँ राजा के रूप में माना जाता है और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ करीब 250 वर्ष से भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ राम जी को सशस्त्र सलामी दी जाती है और 1-5 की गार्ड यहाँ मंदिर में हमेशा रहती है जो राम जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिन में 4 बार जो है उनको देती है। यह भारत में एकमात्र ऐसा इकलौता मंदिर है क्योंकि ऐसा मान्यता है कि राम जी यहाँ राजा के रूप में विराजमान है तो राजा के रूप में उनको सशस्त्र सलामी दी जाती है और इस नगरी में किसी को सलामी नहीं दी जाती, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, केवल राम जी को ही यहाँ सलामी का अधिकार प्राप्त है, इसलिए इन्हें सलामी वाले राम कहना ज्यादा उपयुक्त लगता है। और भी कोई विशेषताएं जैसे सावन भादों के जो खम्भे लगे हैं इनका क्या महत्व है? देखिए, ओरछा संपूर्ण पर्यटन केंद्र है। यहाँ पर बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं जिसमें जहांगीर महल है, बुंदेला महल है, चतुर्भुज टेम्पल है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, हरदौल जी का देवस्थान है फूलबाग जिसे जो है फतेहपुर सीकरी की तर्ज पर बनाया गया है। उसी के बाद पास में खड़े हुए सावन भादों के जो खम्भे हैं इनके बारे में किंवदंती है कि ये किसी जमाने में आपस में मिल जाया करते थे, पर वर्तमान में आंखों देखा हाल बताने वाला कोई नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि ये सावन भादों के जो खम्भे हैं इनकी माना जाता है कि यह पूर्व समय में महाराज वीर सिंह के समय की प्रेमी प्रेमिका है जिनकी याद में ये बनाए गए हैं। यहाँ के इतिहासकार कहते हैं कि सावन भादों खम्भ के जैसे दो प्रेमी युगल खड़े हों, चिर अतिप्त की प्यास जगाए या दो अधर बड़े हों, वो इतिहास पुरुष बनकर ही अब तक चमक रहे हैं, वो निज अतीत की प्रेम कहानी जो हमको सुना रहे हैं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू भजले सीताराम तेरा कोई यार नहीं, ऐसा लोग ऐसे ऐसा ऐसी मानता है कि सावन भादों में आपस में जुड़ जाए। क्या सावन भादों महीने में ही मिलते हैं क्या? जी जी, यहाँ के पूर्वज, यहाँ के हमारे जो पूर्वज थे वो बताया करते हैं कि सावन भादों के खम्भ जो आपस में जुड़ जाया करते थे, सावन भादों का जब महीना पड़ता था तो आपस में जुड़ जाते थे। आज भी यात्रीगण यहाँ आते हैं, सावन भादों के खम्भों से भेंट करना कोई नहीं भूलता, उनको प्रणाम करके लोग चले जाते हैं। प्यार की निशानी है। जी जी, ऐसा माना जाता है सकते हैं। कि जैसे अपने यहाँ ही राजा हुए हैं, लैला मजनू हुए, सीरा फरहा सीरी हुए, ऐसे ही सावन भादों प्रेमी थे, इनको लोगों ने बरसों तक मिलते हुए देखा है, इसलिए इनकी याद में ये खम्भे बनवाए गए और इनका प्रेम जो है स्मरण रहे, लोग कभी इन्हें ना भूलें, इसलिए ये खम्भे निर्माण कराए गए महाराज वीर सिंह के शासनकाल में, जो आज भी अचंभित करने वाले हैं, अजूबा से प्रतीत होते हैं और लोग इनसे भेंट करना कभी नहीं भूलते। और कोई यहाँ का अजूबा है कोई? देखिए, ओरछा नगरी संपूर्ण जो है देखने लायक है। यहाँ पर बेतवा की कलकल धारा जो बह रही है उसके पास में राजाओं के बड़े बड़े मकबरे छतरियाँ खड़ी हैं जिनकी छाया जो है बेतवा के किनारे पड़ती है तो वह अपूर्व दृश्य उत्पन्न करती है। उनको देख करके जो है लोग संपूर्ण भारत से उस स्थान को देखने के लिए आते हैं। उन छतरियों की शोभा अत्यंत भव्य है जो बेतवा के किनारे खड़ी हुई हैं। उसी बेतवा के किनारे बुंदेला पैलेस खड़ा हुआ है, जहांगीर महल जिसके बारे में किंवदंती है कि बादशाह जहांगीर, जिसे सलीम भी कहा जाता है, एक बार वह यहाँ के राजा वीर सिंह महाराज के कहने पर ओरछा पधारा, उसकी याद में ही जो है जहांगीर महल का निर्माण कराया गया और इस नगरी का नाम पूर्व में जहांगीर नगरी भी रखा गया था। और वह महल चमत्कारपूर्ण है, देखने लायक है। जो
जिससे संपूर्ण ओरछा का जो नदी का विहंगम दृश्य है, वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको देखा जा सकता है। और भाई आज भी बुंदेली मित्रता और जो है मुगल सत्ता का जो है मित्रता का प्रतीक है, जो आज भी देखने के लिए देश और विदेश से हजारों लाखों नंडारी। कोरोना काल में आपने कैसे अपना जीवन यापन किया है, देखिए क्या कहना चाहते हैं कोरोना के बारे में? देखिए ओरछा एक पर्यटक नगरी है, लाखों हजारों लोग इस नगरी में जो है पर्यटन से जुड़े हैं। जब से कोरोना काल प्रारंभ हुआ है तब से जो है ओरछा नगरी जो है लॉकडाउन में थी। 5 महीने ओरछा रामराजा का मंदिर पूरी तरह से बंद रहा, यहाँ चिड़िया भी दिखाई नहीं देती थी और पर्यटन में जो हजारों देश विदेश से जो तीर्थयात्री आते थे उनका आना बंद हुआ। इससे यहाँ के दुकानदारों का, यहाँ की जनता का जो रोजगार का मुख्य साधन है वह सब बंद हो गया था और यहाँ के लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे अभी शासन के आदेश से 19 तारीख से लॉकडाउन पुनः खुला हुआ है और धीरे धीरे यात्रियों का आना प्रारंभ हुआ है। लगता है रामराजा की वह पुरानी रौनक फिर से वापस आ रही है। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, अनिल मोहर, झांसी।